हे गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू द गेम प्ले वीडियो। और आज हम दोबारा से कंटिन्यू करने वाले हैं लास्ट डे रूल सर्वाइवल। एंड फाइनली गाइस, ये अपना ग्लोबल रैंक सर्वर को होने वाला है डे नंबर 3। तो जैसे कि गाइस आप सभी ने हमारे पिछले एपिसोड में देखा होगा कि हम लोगों ने इजी म्यूटेंट्स वगैरह मारा था एंड हम लोगों ने रूम्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा किया था। बट आज भी ना गाइस, हम लोगों को सबसे पहले तो अपने के लिए घोड़ा पकड़ना है। बट लिटरली गाइस, घोड़ा पकड़ने में मेरे को इतना ज़्यादा दिमाग खराब हुआ। सबसे पहले तो मेरे को नेट प्लेस करना था। नेट कहाँ प्लेस करना है इस मैप में मेरे को कहीं भी नहीं पता। बट आज ही होने गाइस, हम लोगों ने एक नई ट्रिक लगा ली है कि हम लोग फिश वगैरह किस तरीके से पकड़ सकते हैं। बट साथ में गाइस आपको मैं एक और चीज़ बताने वाला हूँ, जिससे अपने को जो है ना, हम कोई से भी माइंड फार्म करते हैं तो उस पर अपने को लगभग 15% एक्स्ट्रा फार्म मिलता है। वो कैसे मिलता है वो मैं आपको आज बताऊंगा। बट अभी जो है ना गाइस, सबसे पहले तो यहाँ पे मैं घोड़ा पकड़ने के लिए अपने के लिए ग्लव्स वगैरह बनाता हूँ। एंड कुछ नहीं करना गाइस, अपने को जो है ना वो 20% एक्स्ट्रा फार्म वो घोड़े से ही मिलेगा। तो यहाँ पे गाइस मैंने फटाफट से जितने भी मेरे को पिकॉक्स वगैरह मिल रहे थे सारे के सारे मारे। एंड सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक लेक के पास पहुँचा। मैंने कहा डेफिनेटली यहाँ पे तो अपना वो प्लेस हो ही जाएगा। तो यहाँ पे मैं नेट, फिशिंग नेट प्लेस कर रहा था, सो यहाँ पे नहीं हुआ। फिर मैं पहुँचा यहाँ पे डॉक के पास में, यहाँ पे भी नहीं हुआ। तो उसके बाद यार मैं पहुँचा यहाँ पे जहाँ पे पत्थर के अंदर बेस बनता था उसके बगल में, बट यहाँ पे भी जो अपना फिशिंग नेट है वो प्लेस नहीं हुआ। फिर यहाँ पे पहुँचा मैं, एक घोड़ा मिला, तो मैंने डिसाइड करा चलो क्यों ना यार हम लोग इसको पकड़ते हैं। बट जैसे ही घोड़े को मैं पकड़ रहा था ग्लव से, भाई कुत्ता ही मेरे पीछे पड़ गया। मैंने कहा यार आज जो है ना अपनी किस्मत कितनी ज़्यादा ख़राब है। बट जैसे तैसे करके यार हम लोगों ने एक घोड़ा पकड़ा, बट जो घोड़ा मेरे को चाहिए था वही मिला। तो इस वाले घोड़े को गाइस अगर हम लोग एडवांस करेंगे तो अपने को जो है लगभग 50% एक्स्ट्रा फार्म मिलेगा। तो मेरे एक फ्रेंड ने बताया था भाई एक घोड़ा ऐसा भी होता है जिसमें अपने को 25% एक्स्ट्रा मिलता है। मैंने कहा यार वो तो करना पड़ेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं पहुँचा जहाँ पे बॉड बेस आता है, भाई यहाँ पे भी नहीं हुआ। फिर मैं पहुँचा ग्रेट ग्रेस कैनाल के पास में, मैंने कहा डेफिनेटली यहाँ पे तो हो ही जाएगा, भाई यहाँ पे भी नहीं हुआ। मैंने कहा भाई होगा तो होगा कहाँ पे, सब जगह पहुँच गया। फिर फाइनली गाइस मैं लेक साइलेंट प्लेन के पीछे पहुँचा, समुद्र के बगल में। फाइनली यहाँ पे जाके जो है ना अपना फिशिंग नेट प्लेस हुआ, बट यहाँ पे यार फिश आई नहीं रही है। तो मैंने कहा चलो घोड़ा पकड़ता हूँ, ये दूसरा घोड़ा है। एंड सक्सेसफुली गाइस अपने को जो यहाँ पे ना माउंट वाला घोड़ा मिल गया था। तो मैं कुछ सोच रहा हूँ गाइस, जैसे हम लोग जुरासिक वुड द गेम पे दो डायनो को मिला के एक बना रहे ना, तो मेरा प्लान है हम लोग इसमें भी करके देखते हैं, दो घोड़े को आपस में फ्यूज करेंगे एंड देखते हैं गाइस अपने को कौन सा घोड़ा मिलता है। तो यार अभी जो ना मैं यहाँ पे आया, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका था। मैंने कहा यार फिश वगैरह तो आ गई होंगी, बट यहाँ पे फिश ही नहीं आई। तो मैं अंदर घुस के देखा, भाई मेरे को वहाँ पे एक भी फिश नहीं दिखी। तो मैंने कहा यार इस तरीके से नहीं, अब कुछ और तरीके से मेरे को फिश वगैरह पकड़ना पड़ेगा। तो यार मैं फटाफट से यहाँ पे से मैंने किया सेल्फ, पहुँचा अपने बेस में, गन वगैरह लेके आया। अब मैंने कहा इन फिश को जो है ना मैं गन से मारूंगा एंड देखो गाइस गन से फिश वगैरह मरती है नहीं मरती। तो जब तक यहाँ पे हम लोग फिश वगैरह मार रहे, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी हमारे इस वीडियो में नया है एंड जिसने भी अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ गाइस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। अगर वीडियो पसंद आते तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। एंड आज की वीडियो में हम लाइक का एम रखते हैं 400। आई होप गाइस आप लोग 400 लाइक्स तो कंप्लीट करा ही दोगे। भाई अभी तो मेरे को यहाँ पे कोई भी फिश वगैरह नहीं दिख रही है। ओके ये रही, तो देखो गाइस यहाँ पे हम लोगों ने मारा, ज़्यादा नहीं ओनली एक बुलेट में फिश वगैरह मर जाती है, बट मेरे को यहाँ पे पता नहीं था। तो मैंने फटाफट से यहाँ पे फिश मीट मेरे को मिला। अगर एक फिश मारते तो अपने को लगभग 2 फिश मीट मिलता है, अगर बड़ी फिश मारोगे तो लगभग 3 फिश मीट मिलेगा। तो फटाफट से गाइस यहाँ पे मैंने काफ़ी ज़्यादा फिश मारी, क्योंकि मेरे को 2 घोड़ों के लिए एडवांस प्रोसेस फूड बनाना है, तो अपने को कम से कम 40 फिश मीट चाहिए होगा। तो मैंने लगभग 40 फिश मीट कलेक्ट किया। उसके बाद मैं फटाफट से अपने घर पहुँचा एंड मैंने जो है ना फटाफट से घोड़े का एडवांस प्रोसेस फूड बनाया। अगर जिसको नहीं पता वो किस तरीके से बनाते, कुछ नहीं गाइस, आपको बोर मीट चाहिए, आपको जो पिकॉक होता है उसका मीट चाहिए एंड रैबिट का मीट चाहिए एंड फिश मीट चाहिए। सबको आप लोग कैंप फायर में कुक करोगे तो आपको जो है ना प्रोसेस फिश एडवांस प्रोसेस फूड मिल जाएगा। तो चलो गाइस अभी जो है ना मैं ये माउंट वाला हॉर्स पकड़ता हूँ, उसको हम भी हम लोग एडवांस करेंगे। तो जैसे गाइस इसको हम लोग एडवांस करते हैं ना, तो आप लोग इसके ऊपर बैठ के राइड वगैरह कर सकते हो। तो उसके बाद मैंने फटाफट से यार मेरे पास खाना वगैरह थोड़ा सा कम था, तो मैंने फटाफट से यार अपने के लिए बारबेक्यू बनाया। उसके बाद मैंने डिसाइड करा चलो अपने को जो पहला घोड़ा मिला था जिससे अपने को लगभग 15% एक्स्ट्रा मिलता है, तो वो करके देखते हैं।
तो उसके बाद यार मैंने यहाँ पे से उतरा, फटाफट से दूसरा घोड़ा निकाला एंड यहाँ पे जो है ना अपन लोगों ने इसको खाना खिलाना स्टार्ट करा। बट यहाँ पे गाइज मैंने थोड़ी सी गलती कर दी थी, मैंने इसको एडवांस फूड भी खिला दिया बट गो एडवांस में नहीं गया मैं, तो मेरे को वो दोबारा से करना पड़ा। मैंने कहा यार अब दिखा के क्या फ़ायदा, क्योंकि मेरे को दोबारा से खाना वगैरह बनाने के लिए सामान वगैरह कलेक्ट करना पड़ा था, तो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस था। तो अभी जो है ना गाइज अपन लोगों ने इसको एडवांस कर लिया है एंड चलो ट्राई करते हैं, देखते हैं अपने को 15% एक्स्ट्रा फार्म मिलता है या नहीं मिलता। तो अभी गाइज आप लोग बोलोगे कि भाई हमें तो नहीं मिल रहा है, तो देखो गाइज अभी जो है ना मैंने अपने घोड़े को अपने पीछे विशिल बजा के निकाला नहीं है, तो अपने को जो है ना 15% एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। चलो ऐसे करते हैं ना, इस वाली माइन में ट्रांसफर देखते हैं। आयरन अपने को लगभग एक माइन से 250 मिलता है ना। हाँ तो चलो गाइज देखो अभी अपने को एक्स्ट्रा नहीं मिल रहा है, तो मेरे को सबसे पहले तो घोड़ा निकालना पड़ेगा अपना। अब मैं विशिल बजाता हूँ, घोड़े को निकालता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग जो है ना फार्म करेंगे। भैया निकल जा बाहर, अभी तक तो नहीं निकला। तो ओके गाइज यहाँ पे मैंने घोड़ा वगैरह निकाल दिया है, ये अपने पीछे आ रहा है। अभी हम लोगों के पास सल्फर माइन नहीं है तो इसको फार्म करते हैं। एक सल्फर माइन से जो है ना अपने को लगभग 120 सल्फर मिलता है, बट अभी जो है ना गाइज अपने को लगभग 139 सल्फर मिल रहा है। लगभग अपने को जो है ना 19 सल्फर एक्स्ट्रा मिला है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। उसके बाद यार मैं घोड़ा लेके आया यहाँ पे, ये बंदे के पास काफ़ी ज़्यादा ARs है भाई, AR लेके घूमता है। तो मैंने कहा चलो क्यों ना यार हम लोग जो है ना इसका AR वगैरह निकालने का ट्राई करेंगे। बट मैं दिन में जो है ना गाइस इसके बेस के अंदर घुसा था, तो बंदे ने जो है ना अपने मेन गेट के सामने ऑटो कैनन लगा के रखा हुआ है। मैंने कहा रुक जा भाई, तो जैसे गाइस यहाँ पे ऑटो कैनन की आवाज़ आई ना तो वो बंदा जो है ना बाहर निकला था। तो बट मैं यहाँ पे बैठा हुआ था तो मैंने कहा चलो आने दो, एक बंदा आया इसको मारने का ट्राई करता हूँ। चल भाई निकल भाई, कितनी गोली खाया है ये बंदा, लिटरली गाइस बहुत ज़्यादा गोली खाया, बट कोई नहीं अपन लोगों ने इसको ईजिली मारा। तो चलो चल भाई निकल, ठीक है गाइस। जैसे मैंने इस बंदे को मारा यहाँ पे जो है ना दूसरा बंदा आया AR वाला, जो बंदे को मैं ढूंढ रहा था एंड ट्राई करेंगे गाइस इसको मारने का। बट मेरे पास अभी AR वगैरह नहीं है, उजी है, उजी से मारने का ट्राई करता हूँ। बट यार मारना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है क्योंकि उस बंदे के पास ना स्टील का आर्मर है। तो गाइस अभी जो है ना आगे वाले बेस से बंदे निकले हैं भाई, ये रहे, इनको लिटरली गाइस पता नहीं है मैं इनके पीछे हूँ, देख रहे हो घोड़े कैसे। तो चलो यार अभी हम लोग आराम से देखेंगे, कहीं यहाँ पे से तो नहीं आया बंदा। ओके यहाँ पे से तो नहीं आया है, वो लगता है उधर ही के साइड गए देखने के लिए। ये रहा, ऐसे करता हूँ इसके पीछे उतरूंगा फिर मारने का ट्राई करूंगा। अरे यार देख लिया बंदे ने, देख लिया बंदे ने। मतलब नहीं मरा, बट कोई नहीं, लगता है मेरे को AR लेके आना पड़ेगा। फिर जो है ना गाइस मैं अपने बेस में स्पॉन हुआ एंड AR जो है ना मैं सिप में डाल के लेके आया था, क्योंकि मेरा कुछ पता नहीं है मैं कहीं पे भी क्रैश हो जाऊंगा। तो बंदे ने मेरे को देख लिया है एंड बंदा जो है ना अभी मेरे पीछे आ रहा है। मैंने कहा रुक जा भाई अभी तेरे को बताता हूँ। मैं थोड़ा सा दूर गया, पेड़ के पीछे उतरा, पेड़ का कवर लिया। मैंने कहा जब तक बंदा मेरे को नहीं दिखेगा ना तो मैं मारूंगा भी नहीं। तो अभी लगता है मेरे को वो नहीं आएगा अपने पीछे, क्योंकि उसे पता है मैं एकदम कवर में हूँ, अगर वो आया तो डेफिनेटली जाएगा। तो मैंने कहा चलो अभी हम लोग जो है ना पुश करते हैं एंड बंदे के पास जो है ना गाइस यहाँ पे 4x था, बट लिटरली गाइस उसकी एक भी बुलेट मेरे पे कनेक्ट नहीं हुई। तो मैंने इसको मारा, इसका AR वगैरह लिया एंड जैसे गाइस उस बंदे का एक AR गया ना, उसके बाद बंदा उजी में आ गया। तो देखो अभी मैंने इसका AR उठाया, फटाफट से जो है ना AR डालता हूँ सेफ में एंड इस बंदे से जो है ना गाइस अपने को 4x भी मिल गया। मेरा घोड़ा आ जा, तो चलो चलते हैं फटाफट से घूम के आएंगे एंड दोबारा से हम लोग उसी जगह में बैठेंगे जहाँ पे वो पहले अपने को मारा था। तो चलो गाइस चलते हैं सीधा उधर ही, उस घर के पीछे बैठे रहेंगे, जैसे अगर वो बाहर निकलेगा ना तो मारने का ट्राई करेंगे। वैसे यार अपडेट के बाद ना जैसे पहले घोड़ा जंप करता था, अब मेरे ख्याल से अब वैसा जंप नहीं कर रहा है। इस वाले मैप में तो गाइस लिटरली जंप नहीं कर रहा है एंड मेरे को उजी का आवाज आया, लगता है बंदा जो है ना अभी उजी लेके आ रहा है। ट्राई करते हैं गाइस, देखेंगे घोड़े को एक घोड़े से मेट करवाएंगे, देखते हैं गाइस एवोल्यूशन कराने के बाद अपने को कैसा घोड़ा दिखता है। चलो ऐसे करता ना, बंदा दिखा मेरे को अपने गेट से बाहर निकला है, तो मेरा मन कर रहा है कि मैं यहाँ पे कुछ देर वेट करूँ, देखते हैं अगर दिखेगा तो उसको मारने का ट्राई करेंगे। ओके तो गाइज यहाँ पे हम लोगों ने कुछ देर वेट किया एंड बंदा जो है ना
एकदम फ्लैंक मार के आ रहा था वहां पे से, तो मेरे को वो बंदा दिख चुका है, तो मैं घोड़ा लेके गया एंड वो जो है ना उस रैंप की तरफ गए हैं। मुझे लगता है कुछ देर बाद यहां पे भी आएंगे। ओके तो भाई उस बंदे ने मेरे को देख लिया है तो डेफिनेटली आएगा, बट उसके यहां पे से पहुंचने से पहले जो है ना मैं उसको मार दूंगा। बट लिटरली यार मेरा एम आज कनेक्ट नहीं हो रहा है, मतलब आईपैड में गाइस अभी चल नहीं रहा है गेम ढंग से। पहले आदत हो गया था, अभी जो है ना बिल्कुल भी आदत नहीं है खेलने का। मोबाइल में हाथ काफी ज्यादा बैठ चुका था, बट मैंने कहा यार एक सर्वर जरा आईपैड से खेलते हैं। तो चलो यार यहाँ पे ये बंदे को मारा, उजी में आया एंड मुझे तो पता चल गया था कि बंदे का उजी उजी से आएगा, तो अब यहाँ पे रुक कर कोई फायदा नहीं है। फिर उसके बाद हम लोग गए सीधा अपने बेस में एंड यहाँ पे जो है ना गाइस एक गलत सीन बहुत लगा मेरे को इस मैप का। इस मैप का गलत सीन क्या है गाइस कि हर जगह जो है ना रूम के पास आपको ये मॉन्स्टर्स मिलेंगे। इवन ऊपर वाला बम शेल्टर है ना वहाँ पे भी बैठा रहता है, बट इतनी ज़्यादा बुलेट्स लगती है ना उसमें कि मैं क्या ही बताऊँ। तो चलो यार यहाँ पे ब्लू रूम है, फटाफट से हम लोग ब्लू रूम करते हैं। तो देखते हैं गाइस इस ब्लू रूम से अपने को कार्ड वगैरह मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो अपन लोग दूसरी जगह चलेंगे कार्ड के लिए, क्योंकि अभी अपने को ना कार्ड वगैरह चाहिए। और उसके बाद हमारा प्लान है कि आज जो है ना अपन लोग हैंडमेड एक्सप्लोजिव का रेसिपी लर्न करेंगे, एक आधा बेस वगैरह देखेंगे जो कि बायो के बगल में है। तो ओके यहाँ पे मेरे को हैंडमेड मिला और पर्पल कार्ड भी मिल चुका है जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। एंड ये भी गाइस मैं उठाऊंगा एंड ये भी उठा के चलते हैं, बट अभी नहीं उठा रहा हूँ, बाद में उठाऊंगा जब हम लोग जो है ना वो मिलेगा अपने को वो मशीन जिसमें हम लोग दो डाइनों को मिलाएंगे। तो यहाँ पे से मैं फटाफट से लेवल 2 का मास्क उठाता हूँ और उसके बाद जो है ना अपन लोग डायरेक्ट चलते हैं। तो ओके गाइस यहाँ पे अपने को मास्क भी मिल गया, पर्पल कार्ड भी मिल चुका है। ओके यार सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जो है ना अपने के लिए वो प्लेस करता हूँ ऑयल रिफाइनर जो कि अपने को कल मिला था ईजी मारने के बाद। तो ओके गाइस यहाँ पे हम लोगों ने अपना ऑयल रिफाइनर वगैरह प्लेस कर लिया है, तो फटाफट से जितने भी मेरे पास वो है ना क्रूड ऑयल तो वो सारा का सारा हम लोग यहाँ पे रिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे गाइस हम लोगों ने डाल दिया है। ओके अभी है नहीं मेरे में, तो ऐसे करता हूँ मैं फटाफट से जितना इस पे मेरे पास है वो उठाता हूँ। सबसे पहले हम लोग एक्सप्लोजिव और हैंडमेड का रेसिपी लर्न करते हैं। भाई थोड़े से स्पेयर्स कम हो रहे हैं, लगभग 400 के करीब स्पेयर्स मैंने कहीं ना कहीं पे तो रखे थे। ओके सो ये रहा सल्फर वाले बॉक्स में लगभग 460 स्पेयर्स थे, अभी मेरे पास 1900 के करीब स्पेयर्स हो चुके हैं, तो लगता है हैंडमेड एंड एक्सप्लोजिव का रेसिपी तो यहाँ पे लर्न हो जाएगा। ओके गाइस एक्सप्लोजिव का रेसिपी यहाँ पे ड्राफ्ट हो चुका है, फटाफट से उसको क्लेम करता हूँ एंड यहाँ पे जो है ना अपना हैंडमेड का रेसिपी भी ड्राफ्ट हो चुका है। तो चलिए गाइस फटाफट से जो है ना अपन लोग रेसिपी वगैरह लर्न करते हैं एंड बॉम्ब वगैरह बना के फिर निकलते हैं एक आधा बेस रेड मारने के लिए। बट यहाँ पे गाइज अपने साथ बहुत गलत स्कैम होने वाला है, वो स्कैम क्या होगा वो आपको वहीं पे बनाऊंगा। ओके गाइज यहाँ पे लगभग मैंने अपने के लिए बॉम्ब्स वगैरह बना के रेडी हो चुका हूँ, तो फटाफट से चलते हैं घोड़े में बैठते हैं और सीधा चलते हैं बेस को भपकाने के लिए। तो भाई जितना भी मेरे पास एक्स्ट्रा सामान है ना मैं सारे का सारा अपने बेस के अंदर रखूंगा। तो लगता है गाइस अभी जो है ना मैं यहाँ पे कुछ चीज़ ढूंढ रहा हूँ बट मेरे को वो चीज़ नहीं मिल रही है। तो चलो यार ऐसे करते ना चलते हैं, जो चीज़ ढूंढ रहा था वो मेरे को मिला नहीं अपने के लिए। ऐसे करते ना थोड़ा सा हेल्थ वगैरह उठा लेंगे। आई थिंक यार मैं यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा फूड वगैरह ढूंढ रहा था घोड़े के लिए, क्योंकि मेरे जो घोड़े का फूड लेवल है ना वो काफ़ी ज़्यादा कम है, बट मेरे को यहाँ पे लिटरली कहीं पे भी थोड़ा सा भी फूड वगैरह नहीं मिला। तो मैंने कहा चलो ठीक है यार अब फूड वगैरह तो नहीं मिल रहा है तो कोई नहीं, अपन लोग चलते सीधा बाहर एंड वहाँ पे देखेंगे कहीं ना कहीं तो अपने को मिल ही जाएगा। घर बाहर अपने को थोड़ा सा बेरीज मिलेंगी या फिर अपने को मशरूम मिलेगा, उससे काम चल जाएगा। तो चलो यार फटाफट से घोड़े को निकालते हैं एंड चलते हैं बेस को भपकाएंगे एंड उसके बाद देखते हैं आगे अपने को क्या करना है। चल आ जाओ बेटे घोड़े।
ओके गाइज, यहाँ पे अपना घोड़ा वगैरह आ चुका है, फूड लिटरली अपने पास नहीं है, तो मुझे थोड़ा सा फूड वगैरह कलेक्ट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद जो है ना हम लोग चलते हैं। भाई अभी पर्पल रूम करना है, सबसे पहले अब मेरे को खाना कलेक्ट करना है घोड़े के लिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही है। तो ज्यादा दूर नहीं है, यहीं पे है बेस, बायो के पास में, एंड उसको रेड करते हैं। देखो फूड लेवल खत्म, एंड फटाफट से बेरीज वगैरह कलेक्ट करता हूँ। तो ओके गाइज, यहाँ पे जो है ना हम लोगों ने इसको बेरीज वगैरह खिलाया, एंड फाइनली अभी जो है ना हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो चलो फटाफट से ऐसे करते हैं, इसको रेड करना स्टार्ट करते हैं। मैं तो सोच रहा था यार कि किसी बंदे का बेस होगा, बट जैसे गाइज यहाँ पे मैंने लगभग अपने 16 हैंडपिक बेस किए ना, उसके बाद पता चला यार बंदे का तो ये फार्मिंग बेस था, यहाँ से जो है ना वो नॉमेंस लैंड में फार्म करता था, एंड सारा का सारा मेल्ट करने के बाद सीधा अपने बेस में। भाई मैंने कहा इससे बड़ा ज़्यादा दिमाग खराब ना किसी सर्वर पे नहीं हो सकता। अभी देखो इस सर्वर के बारे में गाइस कुछ इतना खास नॉलेज नहीं है, तो इसीलिए जो है ना काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो चलो लगाते हैं, अब देखते हैं अंदर क्या मिलेगा। ओके, दो तीन ऑयल ड्रम्स और लगाऊंगा मैं, आई थिंक टूट जाएगा वो उतने में। तो जी हां गाइस, यहां पे टूट चुका है, एंड मैंने यहां पे देखा नहीं है, मैं सीधा अंदर गया, एंड मेरे को क्या ही गलत का सरप्राइज मिला, मतलब ऑटो कैनन से मैं बच गया। तो चलो कोई नहीं, फटाफट से यार मैं दोबारा से यहां पे आया, मैंने ऑटो कैनन का बुलेट्स वगैरह ड्रेन किया, ग्लिच करके चेकआउट किया, यार मेरे को यहां पे एक भी बॉक्सेस वगैरह नहीं दिखे, ओनली फर्नेसेस थी। तो मैंने कहा यार यहां पे लगभग 12 अपने 12 सीपोर्स भी लगाने पड़ेंगे, बट अब वो लगा भी दूंगा बट मिलेगा कुछ नहीं। तो मैंने कहा यार चलो कोई नहीं, थोड़ा सा अपना आज लॉस हुआ है, बट कोई नहीं, प्रॉफिट धीरे धीरे होगा। तो चलो यार इसके बाद जो है ना मैं फटाफट से यहाँ पर से निकला सीधा अपने बेस में, एंड उसके बाद मैंने डिसाइड करा चलो यार अपने पास अभी ऑयल ड्रम का रेसिपी नहीं है, और मेरा प्लान है अभी जो है ना मैं थोड़े से छोटे छोटे बेसिस वगैरह देखूंगा, सो उसके लिए मेरे को डेफिनेटली ऑयल ड्रम का रेसिपी चाहिए। तो मैंने फटाफट से यार अपने बेस में कोने काने में देखा, मेरे को 600 एक्सपीरियंस मिल चुके थे, तो फटाफट से जो है ना मैंने यहाँ पे अपने के लिए ऑयल ड्रम का रेसिपी लर्न किया। भाई रेसिपीज निकालना सबसे ज़्यादा हार्ड है इस सर्वर में, बट जैसे तैसे करके गाइस हम लोग स्लोली स्लोली कर रहे हैं काम। तो ठीक है गाइस, यहाँ पे अपना ऑयल ड्रम का रेसिपी लर्न हो चुका है, और अभी जो है ना उसके बाद यहाँ पे आया था ड्रॉप, तो मैंने कहा चलो यार ड्रॉप में चलते हैं, एंड यार ये ड्रॉप मैंने पूरे का पूरा लूटा भी था एंड बंदों को मारा भी था यार, बट यहाँ पे अपने साथ बहुत गलत सीन हुआ, मैं एक बार ही मरा ना उसके बाद मैंने रिकॉर्डर ही ऑफ कर दिया, देख रहे हो क्या ही ख़त्म किस्मत थी अपनी। तो चलो कोई नहीं गाइस, यहाँ पे से अपने आगे एक बंदा गया था घोड़े में, मैंने कहा ये वही बंदा होगा था जिसको हम लोग वहाँ पे मारे थे, आपको पता है ग्रेस कैनाल के बगल में, तो एक ये जा रहा है जॉम्बीज, तो डेफिनेटली वो बंदा यहाँ पे बैठा होगा, मैं ग्लिच करके चेकआउट करने लगा था बट मेरे को वहाँ पे बंदा नहीं दिखा। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, घोड़ा लेके चलते हैं इधर के साइड, एंड यहाँ पे जो है ना गाइस अपने को मिले दो बंदे, बट वहाँ पे यार मेरा गन जो है ना सेफ में था, क्योंकि मुझे डर लग रहा था अगर क्रैश हुआ तो बेफिजूल मारा जाऊँगा, तो मैं गन वगैरह नहीं निकाला, मैं इधर से उधर घूमा, जैसे ही मैंने गाइस यहाँ पे गन सेफ में था, एंड मैंने कहा जब तक मेरे को बंदा नहीं दिखेगा ना तो मैं गन तब तक नहीं निकालूंगा, बट यहाँ पे मेरे को बंदा दिखा, दो बंदे दिखे, मैंने कहा चलो ठीक है यार उसको मारता हूँ, एंड जैसे मैं उतरा गन निकालने का ट्राई कर रहा था तब तक ये जो बंदा था उसका पीछे से आया एंड मेरे को बजा दिया, मैंने कहा चलो ठीक है यार। उसके बाद मैं फटाफट से अपने बैग में स्पॉन हुआ, लकीली यार अपना मास्क वगैरह भी नहीं गिरा था, तो मैं दोबारा से आया बट मैंने यहाँ पे से रिकॉर्डर ऑफ कर दिया था, पता नहीं गाइस स्टोरेज का इशू रहता है ना, बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है यार, 64 GB है, अब क्या ही बताऊँ। तो उसके बाद यार यहाँ पे से हम ड्रॉप वगैरह जीते, और उसके बाद यहाँ पे मैं मेरा जो एक बेस था जो कि मेरे को स्टार्टिंग में मिला था, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रेड हो रहा था, तो मैंने यहाँ पे अपने के लिए एक और बेस बनाया, मैंने कहा यार इसको रेड मारेंगे तो उन बंदों को मैं मारूंगा। तो यहाँ पे जो है गाइस ये बंदा हैमर से रेड कर रहा था, मैंने कहा चलो यार मैं भी देख के आऊँ कौन इतना मेहनत कर रहा है कि हैमर से मेरा बेस रेड कर रहा है, ये रहा वो बंदा। भाई रहने दो चल ले मार ले भाई मार ले। तो उसके बाद यार मैं दोबारा से अपने हार्बर वाले बेस में आया, क्योंकि वहाँ पे यार बॉट बेस था, मैंने कहा वो बॉट बेस तो मैं दूंगा नहीं किसी को। तो देखो काफ़ी ज़्यादा भाई लोग मेरे से पूछ रहे थे यार भाई बॉट बेस किस तरीके से होता है, तो देखो गाइस ये रहा बॉट बेस, एंड जैसे आप लोग को नया बेस दिखे ना
तो उसके पास एटलीस्ट जाओ, उसका हेल्थ वगैरह चेक करो। अगर हेल्थ कम है तो समझ लीजिए वो बॉड बेस है, एंड इसका हेल्थ वगैरह फुल रहा होगा तो किसी बंदे ने इसको ऑलरेडी यार रेड करने का ट्राई किया था, पर ठीक है। तो उसके बाद यार मैं जैसे ही यहाँ पे घूम रहा था तो एक बंदा यहाँ पे देखने आया, तो लगता है उस बंदे को पता चल गया था ये बॉड बेस है। मैंने कहा भाई मेरा बॉड बेस है, चाहे मेरे को एक घंटा रुकना पड़े मैं रुकूंगा, बट तुम्हें नहीं लेने दूंगा। उसके बाद यार यहाँ पे मैं बैठा हुआ था बेसला बनाकर, यहाँ पे एक बंदे ने जो है ना गाइस एक अपना भी बेस बना दिया। तो मैंने क्या करा फटाफट से जो है ना गाइस जल्दीबाजी से, वो बंदा भी आ रहा था, वो बंदा आता मैं उसको मारता, जैसे ही मैं जाता वो अपने बैग में स्पॉन होके अपने सेफ से गन निकाल के मेरे को मार देता। बट मैंने भी यार कतई दिमाग लगाया, फूट से जो है ना पूरे का पूरा बॉड बेस का लूट ही कवर कर दिया, एंड उस बंदे को एक दो बार मारा, एंड एक एक करके जो है ना गाइस मैं लूट लेके आया सीधा अपने बेस में डाला। और साथ के साथ मुझे पता था कि ये जो है ना अपना बेस रेड कर देगा। वैसे भी मेरे को ऑयल ड्रम मिला तो मैंने कैबिनेट को थोड़ा सा आगे निकाला, फटाफट से इसके अंदर लगाए दो ऑयल ड्रम, एंड अपना जो कैबिनेट है ना वो ही फोड़ दिया। उसके बाद जो है ना अपना बेस आ चुका था अंडर प्रोटेक्शन, एंड अभी जो है ना गाइस वो बंदा अपना बेस भी रेड नहीं कर सकता। तो ठीक है गाइस, अब अपन लोग जाते हैं आराम से लूट वगैरह लाएंगे। तो चलो यार आज की वीडियो के लिए